नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूँ विपिन परमार। हाल ही में हरियाणा सरकार की ओर से कुंवारों को पेंशन देने का प्रावधान किया गया। कैबिनेट में इसको अप्रूवल दिया गया और ये तय किया गया कि कुंवारे लोग जिनकी आयु सीमा 45 से 60 वर्ष है या फिर 40 से 60 वर्ष है, ये दो कैटेगरीज थी जिनको 2750 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने की घोषणा जो है वो सरकार की ओर से की गई थी। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से इस बात को टेकअप किया गया था, क्योंकि जनसंवाद कार्यक्रमों में कुछ ऐसे लोग आते थे जिनकी ओर से ये मांग की जाती थी कि वो अविवाहित हैं, अपना खर्च चलाने के लिए उनके पास कोई भी व्यवस्था जो है वो नहीं है। ऐसे में सरकार की ओर से ये बड़ी घोषणा की गई थी जिसमें कि कुंवारों को 2750 रुपये प्रतिमाह देने का ऐलान किया गया था। लेकिन अब सरकार की ओर से इसके नियम जारी किए गए हैं। नियमों के आने के बाद कहीं ना कहीं इस पेंशन के लिए अप्लाई करने वाले लोग सजग हो जाएं, सचेत हो जाएं, क्योंकि अगर आप इसके लिए गलत प्रमाण पत्र कर जो है फर्जी दस्तावेज अगर लगाते हैं तो उसमें आपको कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि जो नियमावली तय की गई है उसमें यह तय किया गया है कि 2750 रुपए प्रति माह के पेंशन के भोगी तो आप हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके फर्जी दस्तावेज पाए जाते हैं तो उस एवज में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और साथ ही साथ 12% ब्याज के साथ वो पैसा जो है वो वसूला जाएगा, यानी कि आपको 12% वृद्धि के साथ जो पैसा है वो लौटाना पड़ सकता है। ऐसे में तमाम तरह की कैटेगरी, तकरीबन 71,000 प्रदेश में कुंवारे लोग हैं जिनकी ओर से एप्लीकेशन जो है इसके लिए इंटाइटलमेंट के लिए जो है भेजे गए हैं। ऐसे में सचेत हो जाइए ताकि आपके दस्तावेज जो है वो करेक्ट हो अगर आप इस पेंशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं।